वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप जिया दे नाल जनरल हरबख्श सिंह जी का इतिहास साझा करांगे, जिन्हां दी सिख पंथ नूं बहुत ही बड़ी देन है। पर अफसोस है, असी बहुत ही घट मात्रा दे विच इन्हां दे इतिहास तो वाकफ हाँ। तो आओ अज साझा करते हाँ जनरल हरबख्श सिंह जी का इतिहास। सन 1965 विच भारत पाकिस्तान की लड़ाई समय जदों खेमकरन ते बाघा बार्डर के घमसान की लड़ाई विच पाकिस्तानी फौजां दा पलड़ा भारी सी, वह खेमकरन तो अगे कई पिंडां तक पहुँच चुके सन। तो इस समय भारतीय फौज के सेना मुखी जनरल जे एन चौधरी ने जनरल हरबख्श सिंह जी, जो उस समय भारत पाकिस्तान के सारे बार्डर से फौज की कमांड कर रहे सन, हुक्म दिता कि अपनिया फौजा ब्यास दरिया तो पिछे लै आउण, क्योंकि खेमकरन बार्डर से मेजर जनरल निरंजन प्रसाद ने वायरलैस राही जो जानकारी नोट करवाई है उस मुताबक भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज का मुकाबला करन दे समर्थ नहीं, पैर पैर से सानू पिछे हटना पै रहा है। इस हालत में सानू ब्यास दरिया तो पिछा आने की आग्या दी जाए। यह हुक्म सुनद्या ही जनरल हरबख्श सिंह नू समझण विच देर ना लगी कि एक सोची समझी स्कीम तहत श्री हरिमंदर साहिब नू पाकिस्तान दे विच टक्कना चाहते ने, अते जनरल हरबख्श सिंह मेजर जनरल निरंजन प्रसाद दियां सिखां प्रति सोड़ियां भावनावां नू पहलां तों ही जाणदे सन। इसलिए जनरल हरबख्श सिंह ने भारतीय फौज दे मुखी नू कहा कि मेजर जनरल निरंजन प्रसाद नू इह कारवाई मेरे नाल सांझी करनी चाहीदी सी, क्योंकि बार्डर दी निगरानी मेरे अधीन है। बाकी जो तुसी फौजां नू पिछे लियाउण दे हुक्म दे रहे हो, इस बारे बार्डर कंट्रोल रूम अंबाला विखे आके मेरे नाल गलबात करो, उदों तक तुहाडे वलों जारी कीता इह हुक्म लागू नहीं होवेगा। इस तरह जनरल चौधरी हवाई जहाज़ राही अंबाले आए और जनरल हरबख्श सिंह नाल पखमी बहस हुई। उन्होंने कहा, पहला मैं खेमकरन बार्डर से जाके स्थिति का जायजा लवांगा, उस उपरंत अगली कार्रवाई लई जो जरूरत हुई उस लई मैं खुद तुहानू दसांगा, ना कि मेजर जनरल निरंजन प्रसाद। इस तरह जनरल चौधरी के हुक्मां की परवाह ना करदियां तुरंत बार्डर से जाके फौज की हौसला अफजाई करन दा फैसला लिया गया। तो अंबाले तो रातों रात एक फौजी जीप भी जनरल हरबख्श सिंह ड्राइवर सीट पर बैठे, उन्होंने नाल लैफ्टीनेंट जनरल जोगिंदर सिंह ढिल्लों ते महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो जनरल हरबख्श सिंह नाल एडीसी की ड्यूटी ते सन। ये तीनों जने रातों रात पूरी तेज़ गति दे नाल जीप दौड़ा के खेमकरन पहुँचे। इन्होंने हौसले हार चुके जवानों को एकत्र किया, उन्होंने रो परे जज्बे नाल आख्या कि असी किसी भी कीमत ते श्री अमृत साहिब दियां हद्दां अंदर पाकिस्तानी फौज नू अगे नहीं बदन देंगे, हर तरह मैं तुहाडे नाल हाँ। जनरल हरबख्श सिंह नू जंग मैदान विच पहुंचिया वेख के भारतीय फौजां खासकर सिख नौजवान दे हौसले बेहद बुलंद हो गए। उन्होंने आदेश मुताबक भारतीय फौज ने बड़ी हिम्मत नाल फिर तो पाकिस्तानी फौज पर हमले किए, तो उन्होंने टैंकों उपर काबज होने में सफल हो गए। फिर की सी लड़ाई का रुख बदल गया, तो पलों में ही पाकिस्तानी फौज के पैर उखड़ गए। इस दौरान पाकिस्तानी फौज का एक जनरल नसीर अहमद खान अपने कुछ साथियों समेत भारतीय तोफखाने की फायरिंग दौरान मारिया गया, जिस कारण पाकिस्तानी फौजां नू पिछे हटना पिया। अखीर जनरल हरबख्श सिंह दियां फौजां ने पाकिस्तान दियां फौजां वल्लों कब्जे हेठ कीती भारतीय सरजमीन नू खाली करवाया, ते फिर तो भारत पाकिस्तान दी हद ते पहुँच गए। इस दौरान जनरल हरबख्श सिंह ने मेजर जनरल निरंजन प्रसाद नू भी काफ़ी झाड़ पाई कि तू बुजदिला बाग मैदाने जंग विचों पिछे हट रहा सी, अते बुजदली भरे वायरलैस संदेश फौज मुखी नू भेज रहा है। इन्ना सुनदिया ही उसने जनरल हरबख्श सिंह तो खिमा मंगी। इत्थे ये भी वर्णनयोग है कि जनरल हरबख्श सिंह अपनी किताब इन दी लाइफ ऑफ ड्यूटी में जिक्र करते ने कि बार्डर दे पेंडू सिख किसानों ने जिस दलेरी नाल अपने ट्रैक्टर ट्रालियां राही फौज नू लंगर आदि सेवा ते होर ढुकमा साथ निभाउण विच मदद कीती, एक अपनी ही मिसाल सी।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੰਤਰੀਬ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਜੇ ਸਦਕਾ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।